तो गाइज यहाँ पे आने वाली है फायरबोल्ट की ड्रीम बहुत ही जल्दी, और यहाँ पे ए टू जेड फीचर आपको पता चलेंगे इस वीडियो में, वो भी 99% एकदम ट्रू। यस, मैंने प्रीव्यू सेकंड बनाया था, इसमें मैंने मैक्सिमम फीचर बता दिए थे और वो फीचर सारे के सारे सही निकले। मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब हो सकता है कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट उसमें 80% फीचर जो थे वो सही निकले। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप सभी के सामने लेके आना चाहिए जो थर्ड प्रीव्यू है। एंड गाइज जो डिटेल्स है आप मिला लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। इवन 12 कलर शेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं फायरबोल्ट ड्रीम के। एंड गाइज प्रॉपर ये ई सिम वाली वॉच मिलने वाली है इस बार आपको फायरबोल्ट की ड्रीम में, प्रॉपर एक नैनो सिम मिलने वाली है, इसीलिए इन्होंने डाटा शेयरिंग का ऑप्शन नहीं यहाँ पे बताया आपको। और मैंने जो सेकंड प्रीव्यू बनाया था उसमें भी डाटा शेयरिंग का ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब नॉइस और बोर्ड की तरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक सिम डाल सकते हो, फिजिकल नैनो सिम आप डाल सकते हो, जो आपके फ़ोन में पड़ी वही सिम आप यूज़ कर सकते हो अपनी वॉच में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग प्रीव्यू को, इवन थर्ड प्रीव्यू को, जहां पे आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फाइनली यहाँ पे फाइनली फायरबोल्ट की ड्रीम का जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन है वो आप सभी के सामने लेके आया हूँ यहाँ पे, और बहुत ही सारे कलर शेड्स में देखने को मिलेगी ये वॉच। यस, आपने ही सुना, यहाँ पे चाहो तो आप ये ऑरेंज लूप वाला भी ले सकते हो स्ट्रैप, और चाहो तो ये ग्रीन वाला शेड भी आप ले सकते हो, और चाहो तो आप ये वाला भी शेड ले सकते हो लेदर के टाइप में, बट ये हार्ड टीपीयू स्ट्रैप टाइप का मिलेगा। एंड गाइज चाहो तो आप ये वाला भी कलर शेड ले सकते हो, तो गाइज यहाँ पे चॉइसेस आपको बहुत सारी मिलने वाली है, चाहे आपको कोई सा भी चीज आप चूज कर पाओगे। एंड उसी के साथ साथ लॉन्च डेट भी बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, और ये एप्पल का टाइप का आपको तो पता ही है बेस्ट रहता है ये वाला, है ना, ऑरेंज वाला, तो ये भी आप देख सकते हो, एंड ये वाला भी कलर शेड देख सकते हो। तो बहुत ही सारे कलर शेड्स में देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 12 कलर शेड्स आपको देखने को मिल रही हैं, तो गाइस यहां पे कमी नहीं है, जॉन साहब को कलर शेड चाहिए आप यहां पे चूज कर पाओगे, तो ये काफी कमाल की बात है। चलिए बात करते हैं विस्तार से इस वॉच के बारे में, कब सेल पे जाएगी, कितने प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगी आपको, और आपको ये वॉच बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। ये हमारा थर्ड प्रीव्यू होगा और यहां पे 99% चीजें आपके सामने मैं यहां पे डिस्कस कर दूंगा, क्या क्या फीचर देखने को मिलने वाले हैं इस वॉच में परफेक्टली। द फर्स्ट एवर रिस्ट फोन, यस आपने सही सुना, ये एक प्रॉपर रिस्ट फोन है, एक प्रॉपर फोन है आपके हाथों में, और साथ ही में यहां पे एप्पल का तो लुक है ही कहीं ना कहीं। तो गाइस जितनी भी कंपनीज आती हैं एप्पल का लुक तो लेके आती हैं, बट यूआई जो है, बट जो एंड्रॉयड वियर है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वो मिस कर देती हैं, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा एंड्रॉयड। यस, प्रॉपर इसमें एंड्रॉयड मिलने वाला है, करंट लाइफ विद स्मार्ट डिवाइसेस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है ऑल टाइम, बट यहाँ पे आप अगर फ़ोन ना भी रखो अपने साथ तब भी इस वॉच को प्रॉपरली एज अ फोन यूज़ कर सकते हो, रिस्ट फोन की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो। द वे फॉरवर्ड, स्मार्ट वॉचेस कैन गेट स्मार्टर। यस, कैसे, स्मार्टफोन प्लस स्मार्ट वॉच, और यहाँ पे आती है फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच। यस, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बैटरी परसेंटेज शो करेगा, एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन टाइप का डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है, एंड ये एमोलेड है कि नहीं वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी आगे, थोड़ा सा वेट करो। द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एवर रिस्ट फोन, यस आपने इसे सुना, ए टू जी एप्लीकेशन आप थ्रू द प्ले स्टोर डाउनलोड कर पाओगे, गेम्स डाउनलोड कर पाओगे, प्रॉपर प्ले स्टोर इसमें देखने को मिलने वाला है, तो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको काफी ज्यादा बेटर मिलेगा। फायरबोल्ट की लाइनअप में अब तक की सबसे ज्यादा फीचर रिच वॉच, इवन फायरबोल्ट की इनविंसिबल प्लस, फायरबोल्ट की इन्फिनिटी, फायरबोल्ट की इनविंसिबल डायमंड, इन सबको, रॉयल की बात मैं करूं, इन सबको बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी है ये वाली वॉच, तो इस बार कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा काम किया है फायरबोल्ट ने। यस, कंपेयरिंग द टेक स्पेस, अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर आप कंपेयर करोगे स्मार्टफोन में आपको कुछ चीजें एक्सेसिबिलिटी या हेल्थ मॉनिटरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में तो आपको होता है, हार्ट रेट या आपका हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है उसमें आपका, बट मैक्सिमम जो फोन होते हैं उसमें अवेलेबल नहीं होता, बजट ब्रैकेट में तो कहीं नहीं अवेलेबल होता है। स्मार्ट वॉच की बात मैं करूं, जो जैसे कि सैमसंग की वॉच हो गई, एप्पल की वॉच हो गई, तो उसमें आपको एंड्रॉयड ओएस प्रॉपर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि एंड्रॉयड ओएस अलग होता है और वीआर ओएस अलग होता है, आप समझो इस बात को। वीआर ओएस का मतलब ये है कि आपको लाइक फोन, एज लाइक फोन आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, बट प्रॉपर एक स्मार्टफोन की तरह यूआई नहीं मिलेगा उसमें, समझ गए आप, सिंपल सी बात है। देखो सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक है, जैसे कि क्लासिक है, क्लासिक 4 LTE है,
या फोर क्लासिक है नॉर्मल वाली, तो उसमें क्या होता है प्ले स्टोर मिल जाता है, बट एंड्रॉइड वियर के साथ आती है। बट एक प्रॉपर अगर स्मार्टफोन वाला यूआई आपको वॉच में मिल जाए तो वो कैसा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर, एंड्रॉइड ओएस प्रॉपर मिलेगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा इसमें आपको, वीयर ओएस नहीं दिया गया इस वॉच में। यस, आपने इसे सुना, वीयर ओएस नहीं है, क्योंकि हमने पहले दो प्रीव्यूज में बात की थी कि वीयर ओएस देखने को मिल सकता है, बट इस बार आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फीचर है, ऑफिशियल पेज पे है, ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कर सकते हो खुद ही अपनी आंखों से। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, ना कि आपको कह सकते हो वीयर ओएस नहीं मिलेगा इसमें आपको देखने के लिए। तो ये प्रॉपर एक स्मार्टफोन वाला स्मार्ट वॉच हो गया। सेकेंडरी बटन देखने को मिल जाएगी, कस्टमाइजेबल होगी कि नहीं होगी वो तो मैं अनबॉक्सिंग के टाइम बता पाऊंगा, बट इसमें आई वॉच वाला मेन्यू जरूर मिलेगा, जूम इन आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड गाइस यहां पे एक्शन बटन देखने को मिलेगी, बट वो एक्शन बटन प्रॉपर एक्शन बटन नहीं है वहाँ पे, आप एग्जैक्ट एक चीज़ कर सकते हो वो आपके आपको आगे बताऊंगा। ड्रीम कम्स ट्रू, अगर हम बात करें स्मार्ट वॉच ऑन द आउटसाइड, स्मार्टफोन ऑन इनसाइड, यस अगर मैं बात करूँ अंदर की साइड से, आपको यहाँ पे पूरा चिप सिस्टम मिलेगा, स्टोरेज मिलेगी, स्टोरेज जैसा मैंने आपको बताया था प्रीव्यू सेकंड में भी, यहाँ पे स्टोरेज मिलेगी डेफिनेटली, 3 गुना स्मॉलर है स्मार्टफोन से, हैंड्स फ्री एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है, मतलब आपको बड्स को लगाने की, बड्स लगा के भी कर सकते हो इवन आप, और प्रॉपर इसमें माइक और स्पीकर का सपोर्ट है तो प्रॉपरली आप सुन भी सकते हो, 24/7 कंपेनियन ऑलवेज विद यू, सिम प्लस वाईफाई ऑलवेज कनेक्टेड, तो इसमें वाईफाई भी मिलेगा, प्ले स्टोर है, 1000+ ऐप्स को आप यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रैप डिजाइन भी देखने को मिल जाते हैं, लोडेड फीचर्स, एंड्रॉइड यहाँ पे प्रॉपर मिलता है, जितने भी एप्लीकेशन आप सोच सकते हो सारी के सारे इसमें चला सकते हो। अब एंड्रॉइड वर्जन कौन सा मिलेगा वो तो अनबॉक्सिंग के टाइम पता चलेगा, एंड्रॉइड 10 है, 11 है, 12 है, अगर 13 मिलेगा तो काफी कमाल हो जाएगा, इस लेटेस्ट एप्लीकेशन भी सपोर्टेड रहेंगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एंड्रॉइड 12 या 13 दे कंपनी तो काफी मजा आ जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हो इस वॉच में, यस एप्स ऑन डिमांड, वाइब्स ऑन कमांड, जो कार रेसिंग गेम्स है या आप जो भी चाहो आप इंस्टॉल कर सकते हो इस वॉच में, तो यहाँ पे प्रॉपर YouTube वीडियो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मिनी इज माइटी, द फर्स्ट एवर रिस्ट फोन, मिंत्रा, फेस, फ्लिपकार्ट, ओला, व्हाट्सएप, जोमैटो, कैंडी क्रश, गेम्स भी, इवन YouTube, गूगल, सब कुछ A to Z यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पॉकेट फ्री एंड प्राउडली सो, एंड्रॉयड प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हो स्क्रोलेबल आपको क्राउन की मिलेगा, इससे आप मल्टीपल फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, यहाँ पे गेस्चर सपोर्ट होगा तो और मजा आ जाएगा, जैसे कि एप्पल की वॉच सीरीज 9 में आया ना, और अल्ट्रा 2 में आया, सीरीज एंड अल्ट्रा जो सेकंड वर्जन आया उसमें भी आया देखने के लिए, तो इसमें हो जाएगा तो मजा आ जाएगा वो भी चीज़। थ्रिलिंग टेक, वन सॉलिड बीस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें 16 GB स्टोरेज मिलेगा, मैंने आपको बताया भी था कहीं ना कहीं 1.5 GB रैम मिल सकता है देखने के लिए, स्टोरेज 4 GB से लेकर 8 GB, बट यहाँ पे कंपनी ने डबल आपको दिया है, 16 GB स्टोरेज है, 2 GB रैम मिल जाता है इसमें आपको, यस माली का GPU मिल जाता है इसमें देखने के लिए, और कॉर्टेक्स A7MP क्वाड कोर CPU मिल जाता है देखने के लिए, तो ये काफ़ी कमाल की बात है गाइस, इसमें प्रॉपर एक फ़ोन वाला जो कह सकते हो प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफ़ी कैपेबल है इस हिसाब से, जिस हिसाब की यहाँ पे आपको चिपसेट मिली हुई है ना, और साथ ही में यहाँ पे 800mAh बैटरी कैपेसिटी है जो कि काफ़ी कमाल है, 4G नैनो सिम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, यस आपने सुना एक्शन बटन यहाँ पे खुलती है जहाँ पे आप नैनो सिम डाल सकते हो, माली GPU मिल जाता है कॉर्टेक्स क्वाड कोर CPU के साथ। तो इस तरीके से आपको हार्डवेयर मिल जाता है इस वॉच का जो कि काफ़ी कैपेबल है, द फर्स्ट 4G LTE नैनो सिम रिस्ट फोन। आपने अभी बीच में S8 अल्ट्रा तो देखी होगी जो मार्केट की चाइनीज वॉच है, वो अगर आपको इन वारंटी मिल जाए और वो भी इंडियन ब्रांड की तरफ से जो कि फायरबोल्ट, तो कितना कमाल रहे, तो वही इन्होंने किया है, इन्होंने वही वाला कॉन्सेप्ट लिया बट यहाँ पे आपको वारंटी के साथ ये वॉच मिल रही देखने के लिए, यस। अब उसमें तो पुराना हार्डवेयर देखने को मिलता है, अगर आप लोगे मार्केट से S8 अल्ट्रा तो उसमें आई गेस आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9 या 8 मिलेगा आपको, बट मे बी इसमें हो सकता है एंड्रॉयड 12 या 13 दे, तो काफ़ी कमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर एक नैनो सिम पड़ेगी आपकी जो आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन से बिना कनेक्ट करे भी, तो ये काफ़ी कमाल है, सिंपल है स्मार्ट। तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे जितने भी कंटेंट सब कुछ यहाँ पे सेव कर सकते हो A to Z, मतलब गैलरी वैलरी सब कर सकते हो देख सकते हो। तो मैंने कहा था ना आपको, मैंने थोड़ा सा कहा था कि 1.85 से लेके 1.9 इंचेस की 2 इंचेस तक की डिस्प्ले मिलेगी, तो अराउंड ये 2 इंचेस की ही डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो काफ़ी कमाल की बात है, 2.02 इंचेस ट्रू व्यू डिस्प्ले मिलती है। ये एक IPS पैनल है, एमोलेड नहीं है गाइज, ये एक सैड पार्ट है, एमोलेड होता तो और मज़ा आता, A to Z मज़ा आता है इसमें। 60Hz का UI है, ये काफ़ी अच्छी बात है, रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें आपको, 600 nits की पीक ब्राइटनेस है और 320x386 का रिजोल्यूशन मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें इसमें कमाल की मिलती हैं। सपोर्टेड नेटवर्क की बात में करूँ तो यहाँ पे 5G सपोर्टेड नहीं है के लिए, ये आपको 4G LTE है और वोल्टी आपका ये सपोर्टेड रहेगा, तो ये जियो की सिम, एयरटेल की सिम, सारी सिम चल जाएंगी, बट ये कि 5G नहीं है,
तो 5G तो कोई वॉच अभी तक तो आई नहीं है फिलहाल, तो मे बी इन फ्यूचर आ सके, बट अभी फिलहाल गए आपको सेम चीज़ें जो आपको सैमसंग और एप्पल प्रोवाइड करता है, जो उनकी सेलुलर या 4G वॉचेज होती हैं, तो सेम आपको इसमें भी वही चीज़ मिलती है। बट एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी, वो है एमोलेड पैनल, होता तो मज़ा आता। आगे बात करते हैं, चिल वाइब्स बोल्ड विजुअल्स। यहाँ पे 2.02 इंचेस की आपको काफ़ी अच्छी IPS डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल साइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वो नॉर्मल सा जो एवरेज वाला पिक्सल साइज नहीं दिया 320 वाला, मतलब 240 वाला, यहाँ पे 320x386 पिक्सल पर मतलब पिक्सल्स का रिजोल्यूशन होता है, और 328 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी और ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है। ये है थोड़ा सा इसमें डाउनसाइड की IP68 रेटिंग नहीं दी है, IP67 दिया है, तो IP68 होता तो और मज़ा आता है इसमें। और आगे बात करते हैं यहाँ पे गूगल वॉइस कमांड, तो यहाँ पे गूगल सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो थ्रू द वॉच इटसेल्फ। प्रॉपर कीपैड मिलता है, कीबोर्ड मिल जाता है इसमें, योर गूगल प्ले स्टोर नाउ ऑन योर रिस्ट। 1000 से भी ऊपर एप्लीकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जितना स्टोरेज है 16GB जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे गूगल सर्फिंग भी कर सकते हो प्रॉपर, आप कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो वॉच से इटसेल्फ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ पे गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस आई थिंक ये वॉच एप्पल से भी कंपेटेबल रहेगी, बट देखते हैं यहाँ पे एप्पल के फ़ोन से कंपेटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। बट फिलहाल तो क्योंकि एप्लीकेशन का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि जो वॉच है वॉच के अंदर ही आपको सिम का ऑप्शन मिल जाता है, तो गाइस मेरे ख्याल से अलग से एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो ये एप्पल सेंट्रिक या एंड्रॉयड सेंट्रिक कोई यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता है, ये प्रॉपर एक एंड्रॉयड वॉच हो जाती है ना। यहाँ पे देख सकते हो इवन आप उबर ओला भी यहाँ पे आप बुक कर सकते हो थ्रू दिस वॉच इटसेल्फ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आप इसमें चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो, डिलीवरी भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो प्रॉपर ये एक स्मार्टफोन ही है आपके रिस्ट पे, आप ये समझ सकते हो स्ट्रीट पे। नेविगेशन ब्लिस, यहाँ पे आपको प्रॉपर नेविगेशन का सपोर्ट है, तो यहाँ पे GPS का फंक्शन होगा ऑब्वियसली बात है, तो GPS भी देखने को मिल जाता है इनबिल्ट, और मैप्स का सपोर्ट मिलता है प्रॉपर इस वॉच में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और OTT प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे प्राइम या आप कह सकते हो कि डिज्नी हॉटस्टार, जितने भी आपके जो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स वाले वो हैं एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें शॉप ऑप करना, तो यहाँ पे ये भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएंगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा ये सब चीज़ें चलेंगी इसमें। एंड 800mAh की बैटरी कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली बात है बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस वॉच का। प्ले एंड डोमिनेट, यहाँ पे सबवे सर्फर टेम्पल रन छोटे मोटे गेम चल जाएंगे, बट ये मत सोचिएगा आप यहाँ पे BGMI चला रहे हो, उसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिल सकता है। वियर इंटेलिजेंस बोल्डली, यस AI यहाँ पे पावर्ड आपको वॉच देखने को मिलने वाली है, तो ये भी काफ़ी अच्छा। ChatGPT का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा वॉच में इटसेल्फ, एंड साथ ही में यहाँ पे 800mAh की कैपेसिटी है बैटरी की, तो ये काफ़ी अच्छा रन करेगी आपकी नॉर्मल जो वॉचेस में होती है, जैसे कि वोयज आई थी अभी बोट की ल्यूनर प्रो LTE आने वाली है, वो भी आएगा 500-600mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आएगी, बट यहाँ पे 200mAh एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, जिसकी वजह से इसका रन टाइम काफ़ी बेटर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको 36 घंटे का रन टाइम मिल सकता है देखने के लिए, और यहाँ पे मीडियम यूज़र के लिए 24 घंटे के लिए, और गाइस हैवी यूज़र के लिए 16 घंटे के लिए, और एक्सट्रीम यूज़र बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको 8 घंटे का रन टाइम देखने को मिलता है, जो कि ठीक है। एंड यहाँ पे स्मार्ट वॉच के हिसाब से गाइस काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं कहूँगा ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आगे बात आती है, थोड़ा सा आगे करते हैं बात, कंट्रोल हब, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ लॉन्ग प्रेस करने से और यहाँ पे क्राउन की को वो करने से आप यहाँ पे प्रीवियस उस पर जा सकते हो, और सिंगल टैप होम बटन टू गो होम स्क्रीन, तो इस तरीके से आपका पुशेबल भी है दोनों ही, और ऊपर वाली रोटेटेबल भी है। यहाँ पे अगर हम बात करें और अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे डबल टैप मल्टीटास्क मेन्यू पे आप जा सकते हो, डबल टैप क्राउन पे करते हो तो ऐप ड्रॉअर में वो कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, ऐप ड्रॉअर को चेंज कर सकते हो बेसिकली। एंड उसी के साथ साथ वॉच फेस को चेंज करना है तो क्राउन की को स्क्रॉल कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए भी आपको क्राउन की को आपको इस तरीके से आपको वो करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस क्राउन बटन, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये गाइज काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है। यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPDL मॉनिटर देखने को मिल जाता है, और स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं इस वॉच में इटसेल्फ। एंड वेलनेस इन रियल टाइम, यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा आपका वॉच में शो कर देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स पे आते हैं, तो यहाँ पे अलार्म, कैलकुलेटर, वेदर, सब कुछ यहाँ पे ऑन द गो देखने को मिल जाएगा इसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा एक रेस्ट फोन ही बन जाता है, और यहाँ पे फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच आपकी ड्रीम वॉच हो सकती है, नेक्स्ट ड्रीम वॉच हो सकती है, और आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। यस, बॉक्स में इटसेल्फ आपको क्या क्या मिलेगा, एक वॉच मिलेगी, चार्जिंग केबल मिल जाएगा, एंड मेन आपको ये
स्ट्रैप मिल जाएगा, दैट्स इट। अलग से कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रैप नहीं मिलेगा, चाहे आप चेन वाला खरीदो तो उसमें आपको टूल मिल सकता है बेसिकली, बट एक्स्ट्रा आपको स्ट्रैप नहीं मिलने वाला है फ्री। अब गाइस ये लॉन्च कब होगी, क्या प्राइसिंग रहेगा इस वॉच का? देखो गाइस सिंपल सी बात है, ये लॉन्च होगी 7 दिन बाद आज से, तो अराउंड आज कितनी तारीख है, आज 2 तारीख है, तो 10 तारीख को ये लॉन्च होगी। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीक तक लॉन्च होगी, तो थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लो, वही मतलब 10 तारीख तक लॉन्च हो जाएगी और ये वॉच आपको देखने को मिल जाएगी अराउंड। अब गाइज मेरे को लग रहा है ये वॉच 8 से 10 हज़ार रुपये की जाएगी, तो गाइज 8 से 10 हज़ार रुपये में प्रॉपर एक स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, एंड साथ ही में आपको एंड्रॉयड वियर का और साथ ही में आपको एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है इस वॉच में इटसेल्फ। एक चीज़ मेरे को इसमें कमी लगी वो है एमोलेड डिस्प्ले, तो काफ़ी कमाल रहता। बट फिलहाल गाइज ये था एक सिंपल सा थर्ड प्रीव्यू, इसके अलावा तो कोई भी स्पेसिफिकेशन मेरे ख्याल से रही नहीं है, ए टू जेड सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताई दिया है। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। इसका कंपेरिजन वोयग और बोट की लूना प्रो एलटी के साथ भी आएगा, सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक के साथ आएगा, क्लासिक एलटी के साथ जरूर आएगा, एप्पल की किसी वॉच के साथ करना हो तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एप्पल की लुक तो इसका पूरा का पूरा लग ही रहा है, पूरी डिटो उस तरीके से लग रही है देखने में। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।